नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी विश्व के 10 शीर्ष नेताओं में शामिल, कहा वेंकैया नायडू ने। विपक्ष पर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर घटिया टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व के शीर्ष 10 नेताओं में से एक के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जा रही है। नायडू ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत को अब विश्व भर में मान्यता और सम्मान मिला है। एक के बाद एक देश हमारे प्रधानमंत्री के लिए लाल कालीन बिछा रहे हैं। वे अब विश्व के शीर्ष 10 नेताओं में शुमार हैं। वे अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण के साथ 10 शीर्ष नेताओं में से एक के रूप में उभरे हैं। देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। भाजपा का सवाल, अतिक्रमणकारियों को आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण था? उत्तर प्रदेश के मथुरा में अतिक्रमण हटाने गए पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना को खुफिया विफलता करार देते हुए भाजपा ने शुक्रवार को सवाल किया कि आखिर 2.5 साल से वहां धरना दे रहे लोगों को किसका राजनीतिक संरक्षण हासिल था। भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मथुरा की घटना पूरे तौर पर खुफिया विफलता की घटना है। समय रहते आकलन नहीं किया गया कि वहां पर कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं। उन्होंने कहा कि जवाहर बाग में मौजूद लोगों ने हथियारों को कैसे इकट्ठा किया, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। पाठक ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में लगातार 2.5 साल से धरना और कब्जे की स्थिति रही। उन लोगों को किसका राजनीतिक संरक्षण था, इसका पता लगाया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है, उनके बारे में भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार में जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी थी, उनके इकबाल को ध्वस्त किया गया। प्रतापगढ़ से लेकर मथुरा तक की घटनाओं में देख लें तो कहीं न कहीं पुलिस पिटती रही। ओबामा के भाषण स्थल के ऊपर विमान दुर्घटनाग्रस्त। कोलोराडो में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण स्थल के ऊपर उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अमेरिकी वायुसेना के विशिष्ट थंडरबर्ड दल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक विमान का चालक विमान से सुरक्षित बाहर निकल आया था और उसकी चिकित्सकीय जाँच की जा रही है। गुरुवार की दुर्घटना के बाद एयरफोर्स वन के जरिए वॉशिंगटन रवाना होने से पहले ओबामा ने पीटरसन एयरफोर्स बेस के चालक से मुलाकात की। राष्ट्रपति के साथ दौरे पर गए संवाददाताओं के मुताबिक ओबामा ने इस बात पर संतोष जताया कि चालक को कोई चोट नहीं आई और उन्होंने देश की सेवा के लिए उसका धन्यवाद दिया। गोवा आरएसएस प्रमुख बोले, मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। गोवा आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ ये अफवाह फैला रहे हैं कि पिछले साल उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बदला लेने के इरादे से वे स्कूलों में मातृभाषा को पठन पाठन का माध्यम बनाए जाने के पक्ष में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि वे कभी भी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। वेलिंगकर ने शुक्रवार को बताया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता अफवाह फैला रहे हैं कि पठन पाठन का माध्यम बनाए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन में मेरा सक्रिय सहयोग पणजी उपचुनाव में पार्टी टिकट पाने की मेरी नाकाम महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है। जापान में लापता हुआ 7 वर्षीय बच्चा जीवित मिला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उत्तरी जापान में वो 7 वर्षीय बच्चा जीवित मिल गया है, जिसे एक सप्ताह पहले सजा देते हुए उसके माता पिता ने ऐसे जंगल में छोड़ दिया था जहां भालू रहते हैं। बच्चे को कोई बाहरी चोट नहीं लगी है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है। बच्चा एक सैन्य शिविर में मिला। खबरों में कहा गया है कि उसने एक झोपड़ी में शरण ली थी और उसे पानी पीने के लिए एक टोंटी मिल गई थी, लेकिन वो भूखा था। बच्चा मिलने के बाद उससे भोजन के बारे में तत्काल पूछा गया। उत्तरी होकाइडो द्वीप में पुलिस के प्रवक्ता तोमोहितो तामुरा ने कहा कि सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक अधिकारी को अभ्यास के दौरान एक बच्चा मिला जो 7 वर्ष की आयु का प्रतीत हो रहा था। इसके बाद बच्चे का पिता टीवी आसाही को फोन पर दिए साक्षात्कार में बच्चे से मिलने के क्षण को बयां करते हुए रो पड़ा। उन्होंने रुंधे गले से कहा कि मैंने यामातो से माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।